वाराणसी पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। राज्यपाल और सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। काशीवासियों को 1200 करोड़ की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। काशी महाकाल एक्सप्रेस को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण करते नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। चौकघाट लहरतारा फ्लाईओवर का भी लोकार्पण करेंगे। तो कई चीजों को लेकर खास है ये दिन। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं वाराणसी। जिस रूट से माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरेंगे उस रूट पर फोर्स लगा हुआ है। पुलिस के करीब 15 एसपी रैंक के ऑफिसर्स लगे हुए हैं, करीब 20 एडिशनल एसपी लगे हुए हैं, करीब 35 हमारे सीओज लगे हुए हैं सभी कार्यक्रम स्थलों पर मिलाकर, और सारे रूट को सैनिटाइज किया गया है। जो छतें हैं उसके ऊपर हमारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, वहाँ से बायनोकुलर्स और हैंडहेल्ड सेट से वो नज़र रखे हुए पूरे उस पर, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और जितने भी कलवर्ट्स हैं, बीच में जो कट्स हैं, वहाँ पर प्रॉपर रूट डायवर्जन भी किया हुआ है पब्लिक, ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की कोई समस्या भी ना हो। और ज्यादा अपडेट के साथ वाराणसी से राजू श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं, तो आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? एयरपोर्ट पर काशी की प्रथम महिला यानी यहाँ की जो मेयर हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री, सुबह के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी उनके स्वागत के लिए पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं जो आज का दिन है काशी के लिए वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 1200 करोड़ की लगभग का काशी की जनता को सौगात मिलना है। यहाँ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं जो बेसब्री से अपने सांसद के स्वागत के लिए आई हुई हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से अपने सांसद का स्वागत कर रही हैं। ढोल आप लोग बजा रहे हैं, किस तरीके से काम करके स्वागत कर रहे हैं? उनका इस्तेमाल 2020 के बाद उनका पहला कदम बना रहा है अपने सांसद के लिए।